इलीगल अरिथमेटिक पॉइंटर्स। इलीगल अरिथमेटिक पॉइंटर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो चाहे हम लोग सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें, कंपैरिजन करें, किसी भी टाइप का हम लोग अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे पॉइंटर्स पे, तो वहाँ पे जब हम लोग दो एड्रेस को प्लस करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। मीन्स जब भी हम लोग इस एड्रेस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमेशा हम लोग इंटीजर वैल्यू से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इलीगल अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस को एड्रेस के साथ हम लोग प्लस नहीं कर सकते, मतलब एडिशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वैसे एड्रेस को एड्रेस के साथ मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, एड्रेस को एड्रेस के साथ मॉडुलस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, एड्रेस को एड्रेस के साथ हम लोग डिविजन नहीं कर सकते हैं, एड्रेस को एड्रेस के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, एड्रेस को एड्रेस के साथ हम लोग यहाँ पे इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, नॉट ऑपरेशन भी हम लोग नहीं कर सकते। तो एड्रेस को कभी भी एड्रेस के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन सी लैंग्वेज कभी नहीं देता है, हमेशा यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इंटीजर वैल्यू के साथ में ही होंगे, क्योंकि हम लोग अगर एड्रेस पे एड्रेस प्लस करेंगे तो एड्रेस की जो वैल्यू होती है हर सिस्टम में अलग अलग होती है, हर सिस्टम में अलग अलग होगी। अगर हम लोग वहाँ पे इंटीजर वैल्यू को ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग को लेके जाता है, लेकिन अगर हम लोग एड्रेस को ऐड करेंगे तो एड्रेस ऑलरेडी बहुत बड़ा डिजिट होता है, हो सकता है कि वो एड्रेस उसमें अवेलेबल हो ही ना, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये इलीगल होता है, किसी भी एड्रेस को एड्रेस के साथ ऐड करना, किसी भी एड्रेस को एड्रेस के साथ मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ठीक है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो एड्रेस और दूसरे एड्रेस के बीच में नहीं होते हैं, हमेशा एड्रेस या फिर किसी इंटीजर वैल्यू के साथ में ही ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं पॉइंटर टू फंक्शन। हम लोग किसी भी फंक्शन को कैसे पॉइंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पॉइंटर टू फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ए पॉइंटर कैन पॉइंट टू ए फंक्शन इन सी। ठीक है, एक पॉइंटर जो होता है किसी भी फंक्शन पे पॉइंट कर सकता है, इस प्रकार के फंक्शन पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं फंक्शन पॉइंटर, फंक्शन टू ए पॉइंट, सॉरी पॉइंटर टू ए फंक्शन। हाउएवर द डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल मस्ट बी द सेम एज द फंक्शन। जो भी डिक्लेरेशन होगा उस पॉइंटर वेरिएबल का सेम होगा फंक्शन के डिक्लेरेशन जैसा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया इंट एडिशन, हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड लिया है, फिर सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक रिजल्ट नाम का एक नॉर्मल वेरिएबल हमने ले लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पॉइंटर पीटीआर हमने बनाया है जिसको हम लोग फंक्शन टाइप का बनाया है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, मीन्स जो एडिशन के लिए हम लोग पॉइंटर बनाने वाले हैं वही पॉइंटर है, तो सेम डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग पॉइंटर ले रहे हैं इसको फंक्शन ब्रैकेट्स के साथ में हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे, तो ये जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया वो फंक्शन के लिए हमने डिक्लेयर किया होगा, मतलब ये पॉइंटर जो है फंक्शन को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस पीटीआर को इनिशियलाइज कर दी m% ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन जो है हमारा फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन है क्योंकि फंक्शन को भी एक एड्रेस मिलता है, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स जो है तभी एक्टिव होंगे जब तक उसको मेमोरी नहीं मिल जाता, ठीक है। जब उसको मेमोरी मिल जाएगा तभी वो एक्टिव होंगे,
तो यहाँ पे हमने इस ptr को इनिशियलाइज कर लिया m परसेंट ऑफ एडिशन से, मतलब एडिशन का एड्रेस हम लोग किसमें स्टोर कर दिए, ptr में स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे इस ptr को हमने कॉल किया है, ठीक है, हमने इस ptr को कॉल किया, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, सेम एज इट इज जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मतलब फंक्शन नेम से हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन नेम से कॉल करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग ने पॉइंटर को कॉल किया है, पॉइंटर को कॉल किया हमने, तो हम लोग जो एज इट इज इसका नेम है वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा जो फंक्शन का डेफिनेशन, क्योंकि इस पीटीआर में एड्रेस किसका है, एडिशन नाम के फंक्शन का एड्रेस है, तो कंट्रोल सीधा कहाँ पे आ जाएगा, इस एडिशन पे आ जाएगा। तो एडिशन पे आएगा, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है इंट ए कॉमा बी, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद मैसेज प्रिंट होगा यहाँ पे एंटर टू नंबर्स, हम लोग यहाँ स्कैनफ लगा के दो नंबर को एंटर कर लेंगे, परसेंट डी और एम परसेंट ए एम परसेंट डी। यहाँ पे दो नंबर हम लोग स्क्रीन से इनपुट ले लेंगे, स्क्रीन पे हम लोग को दो वैल्यू डालना पड़ेगा और वहां से हम लोग ए और बी में वैल्यू ले लेंगे, और यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ए प्लस बी, हम लोग यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लगाया है और वहां से रिटर्न कर रहे हैं दोनों का एडिशन, ठीक है, ए प्लस बी करके हम लोग वहां पे एडिशन कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यू हम लोग को वहां से मिलेगी वो रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ए और बी जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो भी इंटीजर टाइप की होगी, तो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई किया है, ठीक है, इस फंक्शन में। अब जैसे ही यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने 10 डाला, ठीक है, और 20 डाला, मतलब ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, यहाँ पे ऐड करेगा ए प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20, ठीक है, वैल्यू हम लोग यहाँ 30 मिलेगी, तो 30 वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा और यहाँ पे इस रिजल्ट नाम के एक नॉर्मल वेरिएबल में वो कैच करेगा, ठीक है, रिटर्न किया और उसने कैच किसने किया, रिजल्ट नाम के एक नॉर्मल वेरिएबल ने कैच कर लिया और स्टोर कर लिया उसको। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग को आउटपुट कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एंटर टू नंबर्स, हमने यहाँ डाला 10 और 15, ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे मिलेगा 25। तो यहाँ पे 10 और 15 हमने डाला और दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 25, और ये वैल्यू इस रिजल्ट में आएगी और रिजल्ट को हमने यहाँ प्रिंट किया, ठीक है, तो द सम इज 25, तो इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंटर बनाया वो एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, हमने जो यहाँ पे पॉइंटर बनाया वो एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू ए फंक्शन,